नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। धनतेरस का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यह हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन सोने, चांदी, स्टील अथवा पीतल की चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि, धन और वैभव की बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे खरीदने से हमें बचना चाहिए। ये आपके धन को नष्ट कर घर में कंगाली और दरिद्रता ला सकती है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिससे हमें धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी काली चीज कभी ना खरीदें। काली चीज अशुद्धता का प्रतीक होती है। यह घर में कंगाली और दरिद्रता लेकर आती है। धनतेरस के दिन आप किसी भी तरह की कांच की चीजों को ना खरीदें। इसके साथ ही चीनी मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को भी खरीदने से बचें। आपको बता दें कि ज्योतिषविदों के अनुसार धनतेरस के दिन किसी भी तरह का प्लास्टिक नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।